नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार वेदी फाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज 2 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत देश के साथ हिंद महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए 15वां पैसेक्स नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ किया है? तो ये भारत किया है जापान के साथ, और जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। ये भी आपको याद रखने हैं, और ये एक्सरसाइज हुआ था मलक्का स्ट्रेट में। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ मलक्का स्ट्रेट्स, और ये मलक्का स्ट्रेट्स है मलय पेनिनसुला, ये इधर मलेशिया का मैप है, मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड और सुमात्रा वैली के पास के बीच में ये मलक्का स्ट्रेट पड़ता है, ये वाला पार्ट। और हमारे नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एलपीजी व्यवसाय के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ, और बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल और बेक्सिमो एलपीजी के साथ, और बेक्सिमो एलपीजी कंपनी है बांग्लादेश की। हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग के एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की है? तो स्वच्छ ऊर्जा रिपोर्ट जारी की है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ, ये है। और ये बेसिकली रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। किस राज्य में ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट के लिए इंडियन ऑयल एनटीपीसी और एसडीएमसी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुआ है दिल्ली के साथ, और एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है हमारे मंत्री गिरिराज सिंह, जो हमारे पशुपालन मंत्री है। अगला क्वेश्चन, और बेसिकली ये गाइडलाइन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आता है ये सारा न्यूज लेटर मत्स्य संपदा, ये भी आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में डिग्री किसके द्वारा तैयार की है? तो ये देखिए तैयार हुआ है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। सरकार ने घोषणा की है कि वो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर सम्मानित करेंगे, ये उनकी कितनी जयंती पर सम्मानित किया जाएगा? ये आप उनकी डाक टिकट देख सकते हैं, और ये सम्मानित किया जाएगा उनकी 100वीं वर्षगांठ पर। और हमारे वो और पीएम इनका जन्म हुआ था पीवी नरसिम्हा राव का जून 28, 1921 को वारंगल में, और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय ने यूरोपीय संघीय शिकायत के आधार पर किस देश के आईसीटी कर्तव्यों के खिलाफ पैनल गठित किया है? और ये गठित किया गया है इंडिया के खिलाफ गठित किया गया है इसको, और आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऐसा ये दूसरी बार हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को खींचा है डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में।
आईटीसी के खिलाफ। और ये आईटीसी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आते हैं सारे मोबाइल फोन्स, कैमरा, हेडफोन्स, एटीसी एक्सेट्रा, ये सब आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। किस देश ने 2021 एपेक ऑकलैंड शिखर सम्मेलन को रद्द किया है और रद्द करके आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है, जिस वर्चुअल समिट, और तो ये किया है ऑकलैंड, आप जान रहे होंगे न्यूजीलैंड में है, तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और वहाँ की करेंसी है डॉलर। UNDCCC को REDD प्लस के परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो ये है युगांडा, ये है युगांडा, और युगांडा की राजधानी है कंपाला, ब्राजील की ब्राजीलिया, और अल्जीरिया की अल्जियर्स, और बोट्सवाना की गैबरोने, ये भी आपको याद रखने हैं। बेसिकली एग्जाम में अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल ज़्यादा पूछी जाती है। और REDD प्लस की फुल फॉर्म है रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, और UNFCCC की हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। विश्व बैंक ने भारत के लिए MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए कितने US डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 750 मिलियन की, और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपस। RBI के अनुसार भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति डेटा में फाइनेंशियल ईयर 20 में FDI में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 19 बिलियन डॉलर की। और हमें यह भी याद रखना है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट घटकर हो गया है हमारा 13.7 बिलियन, ये भी हमें याद रखने हैं। और RBI के टोटल 4 गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर, और डिप्टी गवर्नर हमारे अभी फिलहाल 3 ही अपॉइंटेड है, VP कानूंगो, महेश कुमार जैन और MD पात्रा। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, ई किसान धन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और HDFC बैंक के MD है आदित्य पुरी। SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेस्कॉम, UNDP और प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन जो है मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये किसके लिए ये लॉन्च किया गया, ये प्रोग्राम किसको? तो ये लॉन्च किया जाएगा MSME के लिए, MSME के लिए, और जिससे कि MSME अपना पहुंच ग्लोबल मार्केट तक बना सके। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों COVID-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन और पीपल्स चॉइस COVID-19 ओवरऑल अवार्ड जीता है। ये चौथा शिखर सम्मेलन था। तो ये अवार्ड किस शिखर सम्मेलन में दिया गया है? ये दिया गया है कॉग एक्स, कॉग्निशन एक्स, और इस सम्मेलन का थीम था हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट, और कॉग एक्स का हेडक्वार्टर है लंदन। बैटिंग और फील्डिंग दोनों में उनके योगदान के लिए विजडन द्वारा भारत के 21वें शताब्दी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सम्मानित किया गया किसे? तो भारत के अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो रविंद्र जडेजा, और अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका का प्लेयर है। किस बैंक ने राजकिरण राय को MD और CEO नियुक्त किया है? तो आप ये जान ही गए होंगे यहाँ पे इनका, उस बैंक के टैगलाइन देखकर, गुड पीपल टू बैंक विद, ये टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक। और यूनियन बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस बैंक ने
श्रीकांत माधव वैद को चेयरमैन नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ये नियुक्त किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट देश देख लेते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है लेसन द मोर्टलिटी ऑफ कोविड-19। और हमें याद रखना है कि थीम हमेशा हमें याद रखना है इंग्लिश में, एग्जाम में ऑप्शन इंग्लिश में आते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये था 2 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।